चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जैन। 9 मार्च झरोखा खास आपके पास लेकर आए हैं खबरें 5। सबसे पहले बात करेंगे अपने जैन धर्म की, जैन संस्कृति की, जैन विरासत की, क्योंकि गिनती होने वाली है जनगणना, जो हर 10 साल में होती है। 2011 के बाद 2021 में हो रही है। सबसे ज्यादा शिक्षित है जैन समाज, पर सबसे ज्यादा ढीले हैं हम समाज के अंदर, ये हमें जानना होगा। हमें जो हमारी गिनती 44,51,753 है, उसे 1 करोड़ पहुंचाना है, और हकीकत है 1 करोड़ को पार करना है, होगी भी, क्योंकि हकीकत में जैनों की संख्या इससे कई ज्यादा है। करना क्या है आपको? जगह जगह आप सुन भी रहे हैं, पर आपको करने के लिए अपनी बात को मजबूत रखना होगा। जहां धर्म लिखा हुआ आया है, वहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे उसके आगे सिर्फ जैन लिखना है, ना दिगंबर लिखना है, ना श्वेतांबर लिखना है, ना अग्रवाल लिखना है, ना कुछ और लिखना है, कोई जाति नहीं, सिर्फ धर्म मुझे आगे जैन लिखना है। यह एक गांठ बांध लीजिए। और दूसरा सहयोग हमारा है भाषा के अंदर, आप वहां पर आप सिर्फ लिखिएगा आपकी जो भाषा है, हिंदी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, पंजाबी है, उर्दू, जो भी लिखिएगा, लेकिन साथ में लिखिएगा प्राकृत भी, जिससे हमारी पुरानी विरासत को एक पहचान मिल सके। जनगणना होगी, जैन लिखेंगे भी, यह कसम खा लीजिए। बस हो गया अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, और मिल गई पारस प्रभु की अति प्राचीन प्रतिमा। घटना है लखनऊ के सरोजनी नगर थाने की। यहां पर एक 3 किलो वजन के लगभग 700 वर्ष अति प्राचीन पारस प्रभु की प्रतिमा अष्टधातु की पुलिस ने आखिरकार बरामद कर ली। अंतर्राष्ट्रीय गैंग है पूरा तस्करों का, जो चोरियां करता है मूर्तियों की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ब्लैक बाजार में बेचता है, और इसको भी बेचने की तैयारी हो चुकी थी कि तभी यहां पे 7 जनों का गिरोह पकड़ में आ गया। कई और मामले इससे खुलासे हो जाएंगे, यह उम्मीद है। पूछताछ चल रही है और एक प्रतिमा हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने से पहले बच गई। इसकी मूल्य काफी बड़ी आंकी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। खैर, सरकार ने, प्रशासन ने और पुलिस ने अच्छा काम किया, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैन भाई को बचा लो, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा दो। अनुरोध करते हैं आप सबसे, हमारा एक दिगंबर जैन भाई विपुल जैन 37 वर्षीय इस समय मालदीव के अंदर कोमा में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मालदीव में नौकरी कर रहा है, किसी कारण से समुद्र में डूब गया, हालत खराब हो गई और अभी तक कोमा में है। एक फ्लाइट के निजी खर्चे पर परिवार दिल्ली लाने को तैयार है, लेकिन जिसे एम्स में उसका सही इलाज हो सके, लेकिन हमारी सरकार से उनकी सरकार तक जो चिट्ठी होती है ना, वह अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। लोकसभा स्पीकर महोदय को भी पत्र लिख चुके हैं। घटना 20 फरवरी की है, 4 मार्च को पत्र लिखा जा चुका है। कुछ संस्थाओं ने आवाज उठाई है, पर क्या हमारी राजनीतिक पहुंच अब इतनी ढीली हो गई है कि एक अपने दिगंबर भाई को बचाने के लिए हम अब हेल्प नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते? केवल कुछ नहीं करना है, राजनीतिक हलके में अपनी आवाज पहुंचानी है कि विपुल भाई हमारे वापिस आ जाए, इलाज एम्स में हो जाए, एक अमूल्य जान बच जाएगी। नहीं देखी होगी ऐसी यम संलेपना दुर्लभ। यहां आप देख रहे हैं आचार्य श्री शीतल सागर जी के सानिध्य में हो रही है शपक राज दुर्लभ सागर जी की। यह समाधि व्रण का सिलसिला चल रहा है, 6ठा दिन हो चुका है यम संलेखना का। 94 दिन पहले नियम संलेखनी थी, शरीर देखिए आप, बिल्कुल अस्थि पंजर एक कंकाल सा बन गया है, जैसे शरीर अलग आत्मा अलग, और यह एक चिंतन चल रहा है निर्विघ्न समापन हो समाधि व्रण का, यही भावना भाते हैं। पपौरा जी से समाधि मरण की सूचना मिली है। कल 8 मार्च को प्रातः आरिका श्री आदर्शमती माता जी के सानिध्य में दीदी सोमाश्री माता जी की समाधि मरण हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सानिध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और जाते जाते आपसे अनुरोध कर रहा है पुनः आपसे, जनगणना में ध्यान रखें कि हमें अपने धर्म के आगे जैन, सिर्फ जैन, सिर्फ जैन ही लिखना है, और जनगणना में पूरी तरह भाग लेना है। इस बात को एक संकल्प कर लीजिए, अपनी गिनती हकीकत में जो है उसी को पहुंचाना है। शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अधिकांश लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो उसे देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए। 2 मिनट में आपसे हर रोज मिल रहे हैं, रात 8 बजे कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। सादर जय जिनेंद्र।